अब मैं हर बार दिया ससरी के तुमने भूतनी वालों पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी। ससरी वाले तुमने तो बनाई धज्जियां और वाड़ी भूतनी के, कब सुधरोगे तुम, कब जीतोगे मैच बार ससरी का, हर समय हारते रहते भूतनी वाले। अमे अख्तर चाचा हमको तो रोहितवा ने कहा जे कोहली और पांड्या ने लूटा ससरी का, जब तक कोहली टीम इंडिया में है तब तक हमारा जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती। ससरी वालों से हमने ऐसे नहीं जीत पाएंगे भूतनी वालों से। अमे बबरुआ इंडिया से जीतने के लिए रनवा बनाने पड़ते, टूटा ससरी का जीरो पे आउट हो गया जी। रिजवान 4 रन बना के, शहदा 5 रन बना के तो घंटा जीतोगे भूतनी वालों। अमे अख्तर चाचा तुम टेंशन नहीं लो, एशिया कप की तरह पहला मुकाबला तो हम हार गए लेकिन दूसरा मुकाबला में इंडिया वालों को भूसा भर देंगे, हम ही जीतेंगे। अमे ससरी के पाकिस्तान के नल्ले पा खिलाड़ियों जीतोगे तब जब वर्ल्ड कप में खेलोगे। ससरी का ऐसा ही हाल रहा तो बहुत जल्दी तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे भूतनी वालों। अमे ले लिया पिछली साल का तो हमने वर्ल्ड कप का बदला ले लिया भूतनी वालों, तुमने सोचा था तुम फिर से हरा दोगे, भूसा भर दिया ना हमने, 82 रन ठोंक दिए भूतनी वाले तुम्हारा खिलाफ। अमे कोहली भाई ऐसा तुम क्यों करते हो, 1-2 मैच में हम जैसे गरीब गुनी आदमी को जीत जाना दिया कर। देखो हमरे कैसे अख्तर चाचा ने हमरा चड्डी बनियान सभी उतार दिए, नंगा करके बैठा रहा है हमको तो। अमे अभी क्या हुआ रस्सी वालों, अभी तो तुम लोगों का पिछवाड़ा सुझाएंगे भूतनी का, हर समय बेइज्जती करवाते रहते पाकिस्तान की तुम तो। अमे नहीं अख्तर चाचा तुम हमारा पिछवाड़ा मत सुझाना, हमको लाग जाएगी बहुत तेज हमसे, चाहे ऐसे ही 2 घंटे और बैठा रहा लो। अमे क्यों बे शहदाब चटरी का पता नहीं तुमको क्या देख के उप कप्तान बना दिया, ना तुमसे बैटिंग होती ना बॉलिंग होती, चटरी का एक भी विकेट नहीं चटकार वाते भूतनी के तुम। अमे देखा बबरुआ हमारा टीम का पावर, इसलिए बोलते हमसे तुम पंगा नहीं लेना ससरी का, हम रोलवा नहीं चले तो क्या होगा, फिर भी तुमको मैच में हरा दिया ना ससरी वालों।